हेलो दोस्तों, डीप गार्डनिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जेड प्लांट के बारे में बताऊंगी। उसकी कटिंग, वो कटिंग से भी लगाया जाता है। आप पौधा लेके आते हो तो पौधा भी लग सकता है, और कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। जैसे मैं छोटी छोटी कटिंग, बिल्कुल छोटी सी आपको दो पत्ती की भी कटिंग मिल जाएगी ना, उससे भी जेड प्लांट बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखो, मैं जो एक पौधा लगा, शुरू में जो पौधा ख़रीदा था वो बोनसाई बनाने के लिए रखा हुआ है, तो उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये सारी कटिंग, जो छोटी छोटी कटिंग काट रही हूँ इसकी, तो वो सारी मैं अभी उसमें मिट्टी में लगा दूँगी, और फिर बहुत अच्छे से ये सारी कटिंग लग जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये देखो, मैंने एक थर्माकोल का ऐसे ही कपों का डब्बा था, उसको लेके मैंने उसमें मिट्टी डाल के और ये कटिंग लगा रही हूँ, और इसमें बहुत अच्छे से चल जाएंगी ये। और 10-15 दिन में ही ना बहुत अच्छे से लग जाती है। 10 दिन में आप देखोगे ना तो इसमें जड़ें आ जाती हैं, और बहुत अच्छे से ये लग जाता है। और बहुत हार्डी प्लांट भी होता है ये, जल्दी से मरता भी नहीं है। और एक ही प्लांट से आप हजारों प्लांट्स बना सकते हैं इसके। ये देखो दोस्तों, मैंने अभी कितनी कटिंग ली थी उसमें से, कितने अब आप देख सकते हो इसको कि आप कितने प्लांट बना सकते हो। बिल्कुल आप दो पत्ती भी लगाओगे ना, वो भी बहुत अच्छे से चल जाती है। और जेड प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है, और इसको अगर आप धूप में रखोगे तो भी ये चल जाएगा, छाया में रखोगे तो भी चल जाएगा। इसका रखने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और हर जगह पे चलता है ये। और पानी भी अगर आप एक दिन ही डालोगे, भूल भी जाओगे, तो वो भी ये सहन कर सकता है, और बिना पानी के भी ये चल सकता है। क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है ना, इतनी मोटी मोटी होती हैं, इसमें इतना पानी स्टोर होता है, ये इन पत्तियों से ही अपना पानी लेता रहता है और चलता रहता है। ये देखो, मैंने इसमें लगा दिए हैं, और मैंने बहुत सारे कटिंग लगा रखी है। ये देखो, मैंने ऐसे ही बोतल काट के उसमें छेद करके उसमें लगा रही हूँ। जहाँ पे भी छोटी सी लगा दोगे वहीं पे लग जाएगी। तो ये देखो, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ इसमें बोतल में लगा के, और ये लग जाएगी। और कभी भी साल में आप कभी भी इसकी कटिंग लगाओगे, ये नहीं है कि इसका ये मौसम है कि अब लगाएंगे, इसका ये मौसम है अब लगाएंगे। साल में आप जब भी लगाओगे तब भी लग जाएगी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में तो थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है ये, लेकिन सर्दी में भी कटिंग तो इसकी लगी फिर भी लगी जाएगी, क्योंकि ये इतना हार्डी होता है कि जल्दी से मरता भी नहीं है। देखो, मैंने बोतल में लगाई है, और आप 15-20 दिन में, अगर आप ऐसे लगा के 15-20 दिन में देखोगे ना, तो इसमें नई नई ग्रोथ भी हो जाएगी, और अच्छे से ये चल जाएगा, और देखने में बहुत सुंदर है। ये देखो, बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है, मैंने ऐसे ही ये एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी ये कटिंग लगा रखी है। ये हमारे जो फिनाइल की बोतलें आती हैं उसमें लगा रखा है, ये एक छोटा सा गमला है उसमें लगा रखी है, और इसमें एक टोक ये है, टप्सा है, इसमें बहुत सारी कटिंग लगा रखी है मैंने। ये देखो छोटा, बिल्कुल दो दो पत्ती लगाई थी मैंने इस गमले में, छोटा सा गमला है इसमें, ये तो उसमें भी हो रखा है। ये देखो, टोकरी भर भर के ये सारी मैंने कटिंग से वो किया हुआ है, और कटिंग से ही अभी इसमें इतना बड़ी बड़ी हो रखी हैं, इतनी कटिंग निकल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स for watching my video.